हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास टेंथ में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एनसीईआरटी से हम लोग सॉल्व कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में 15 और 16 दो ही क्वेश्चन बचे, उनको हम फिनिश कर देंगे। जिन बच्चों को ये न्यू वीडियो मिला है, इस चैनल पे नए आए हैं, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, इस चैनल पे आपको बहुत ही क्वालिटी कॉन्टेंट मिलेगा फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स क्लास टेंथ का। कहाँ मिलेगा बच्चों? पिंड कमेंट चेक करिए। पिंड कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा होगा उसको पिंड कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोड पे क्लिक करिए, आपको हर एक चैप्टर का लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ इस चैनल के बारे में, खास बात ये, यहाँ पे आपको बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या होता है? सीबीएसई ने आपकी प्रैक्टिस के लिए एक बुक लगा रखी है जिसको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी लिंक यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पिन कर दिए मैंने। हर एक चैप्टर को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी, ठीक है। फिर भी अगर जिन बच्चों को लिंक नहीं मिल रहे हैं तो वो व्हाट्सएप नंबर 7503644171 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मतलब आपको पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो यहाँ से सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो नए बच्चों के लिए था, और पुराने बच्चों को तो पता ही है जो चैनल से जुड़े हुए कि किस तरीके से चीज़ें चैनल पे चल रही हैं। अब आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और मैं आपको पढ़ देता हूँ, मैंने लिखा नहीं बच्चों, बहुत बड़ा क्वेश्चन था इसलिए मैंने लिखा नहीं, ठीक है ना। चलिए देखिए जरा, इस क्वेश्चन में आपको बोलता है अ मैन वेंट फ्रॉम डोर टू डोर पोजिंग एज अ गोल्ड स्मिथ, ठीक है। एक बंदा है वो घर घर जाता है, ठीक है, वो बताता है मैं सुनार हूँ। सुनार समझते हो ना, जो सोने की चीज़ें बनाते हैं उनको सुनार बोलते हैं, ठीक है ना, सोने की ज्वेलरीज वगैरह बनाते हैं। तो वो फेक बंदा है, ठीक है, झूठा बंदा है। वो घर घर जाता है और बोलता है कि मैं भाई सुनार हूँ, एक बहुत ही बढ़िया सुनार हूँ मैं। ही प्रॉमिस टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर ऑफ ओल्ड एंड डल गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ओके। और लोगों से वो वादा करता है कि जो पुराने आपके सोने के गोल्ड, समझते हो ना, गोल्ड, गोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? AU, ठीक है। गोल्ड का सिंबल क्या होता है? AU, ठीक है ना, AU। और गोल्ड का, ध्यान से सुनिए जरा, गोल्ड का लैटिन नेम क्या होता है? ऑरम, याद रखिए, क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ता, ऑरम, ठीक है ना। अच्छा, तो वो क्या प्रॉमिस करता है कि भाई आपके अगर पुराने कोई सोने के आभूषण होंगे, सोने की ज्वेलरीज होंगी, तो उनको मैं ग्लिटर यानी कि उनमें मैं चमक ले आऊंगा। आगे सुनिए क्वेश्चन। एन अनसस्पेक्टिंग लेडी गेव अ सेट ऑफ गोल्ड बैंगल्स टू हिम विच ही डिप्ड इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अनसस्पेक्टिंग लेडी का मतलब कि लेडी ने बिना सोचे समझे, कोई लेडी निकली किसी घर से, उसने बिना सोचे समझे क्या किया, उसने बिना सोचे समझे अपनी चूड़ी थी, चूड़ियाँ जो थी उसकी, सोने की चूड़ियाँ उठा के उस गोल्ड स्मिथ को दे दी, जो फेक गोल्ड स्मिथ था। कह रहा था बैंगल्स स्पार्कल्ड लाइक अ न्यू बट देयर वेट वॉज रिड्यूस ड्रास्टिकली, ओके। उसने क्या किया, उसकी चूड़ियों को लिया और एक सॉल्यूशन में डिप कर दिया, ठीक है ना, सॉल्यूशन दिया उसमें डिप करके निकाला, ठीक। जब निकाला तो भाई चूड़ियाँ तो चमक गई बहुत अच्छी तरीके से, बट सामने वाली लेडी ने क्या देखा कि उसका वेट कम हो गया बच्चों, उसका मास कम हो गया, सही है ना, तो चूड़ियों का मास कम हो गया। आगे देखिए क्या होता है। कह रहा था द लेडी वॉज अपसेट बट आफ्टर अ फ्यूटाइल आर्गुमेंट द मैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट, ओके। जो लेडी थी वो अपसेट हो गई भाई, किसी का भी सोने का कंगन हल्का हो गया उसका बेचारे का, बैंगल्स हल्के हो गए तो वो अपसेट हो गई, ठीक है ना। और फ्यूटाइल आर्गुमेंट मतलब फालतू की बहस हुई दोनों के बीच में, और जब ये फालतू की बहस हुई तो वो जो फेक बंदा था, द मैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट, मतलब वो धीरे से पीछे हट गया। आप समझ लो, आप पीछे हट गया इसका मतलब कुछ बेमानी कर रहा है, ठीक है ना। कह रहा है कैन यू प्ले द डिटेक्टिव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ही हैड यूज्ड, ओके। कह रहा क्या आप इस प्रॉब्लम में एक डिटेक्टिव का काम कर सकते हो, आप बता सकते हो कि वो बंदा कौन सा सॉल्यूशन लेके आया था, वो जो फेक गोल्ड स्मिथ था वो कौन सा सॉल्यूशन लेके आया था। तो जवाब है बच्चों, आपको पता है गोल्ड, गोल्ड जिस भी सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाएगा वही सॉल्यूशन लेके आता। बताइए गोल्ड कौन से सॉल्यूशन में डिजोल्व आता है, आपको पता है ना, गोल्ड प्लैटिनम ये सब नॉर्मल मेटल है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करते। लेकिन हमने पढ़ा है कि गोल्ड हो गया आपका, प्लैटिनम हो गया, ये एक्वा रिजिया से रिएक्ट करते हैं। एक्वा रिजिया सॉल्यूशन अगर हम बना लें तो उसमें गोल्ड को अगर हम डालेंगे तो गोल्ड धीरे धीरे उसमें डिजोल्व हो जाता है। बात समझ में बच्चों? अब ये एक्वा रिजिया क्या है तो मैं आपको बता दूं बच्चों, एक्वा रिजिया इज द सॉल्यूशन इन विच वी टेक 1:3, हम बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, सुन लीजिए बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यानी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम 1:3 के रेशियो में एक मिक्सचर बनाते हैं, और ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है, इसी को क्या बोलते हैं? एक्वा रिजिया। अब 1:3 रेशियो जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं आपको बता दूं, आप इस तरीके से समझ सकते हो कि मान लो आपने लेट अस अज्यूम बच्चों, मान लो आपने, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, 1 वॉल्यूम आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिया तो आपको 3 वॉल्यूम क्या लेना पड़ेगा? HCl लेना पड़ेगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, मान लो आपने 1 लीटर नाइट्रिक एसिड लिया तो आपको 1 लीटर पे 3 लीटर HCl लेना पड़ेगा, ये इसका मीनिंग होता है। मतलब समझो, जितना भी आप नाइट्रिक एसिड लोगे ना उसका 3 टाइम्स आपको HCl लेना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको अगर बता रहा हूँ
कि भाई फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वारीजिया बनाइए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वारीजिया बनाइए और आपको मैं नाइट्रिक एसिड दे रहा हूँ, ध्यान से चेक करो, आपको मैं नाइट्रिक एसिड दे रहा हूँ बच्चों 5 लीटर, 5 लीटर मैंने आपको कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दिया HNO3। तो बताइए आप मेरे से कितना HCl अज्यूम करोगे, अज्यूम कह रहा हूँ, आप मेरे से कितना HCl मांगोगे कॉन्सेंट्रेटेड HCl, 5 का 3 टाइम्स, 1 का 3 टाइम्स, 3, 5 का 3 टाइम्स, कितना होता है 15 लीटर। ठीक है, तो 15 लीटर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप मेरे से मांगोगे। ध्यान से चेक करो, 5 और 15 का अगर रेशियो निकालोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 15, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 1:3 आ जाएगा। कोई डाउट है बताइए, तो बस यही चीज़ है, यही लिखना है हमें, हमें बताना है कि जो भी वो गोल्ड स्मिथ था उसने क्या किया, गोल्ड बैंगल्स को लिया और किस में डिप कर दिया, एक्वा रीजा सॉल्यूशन में। एक्वा रीजा सॉल्यूशन क्या होता है ये भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना, क्या होता है जब हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड HCl को 1:3 के रेशियो में फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं, मिक्स करके फ्रेशली प्रिपेयर सॉल्यूशन वहाँ पे बनाते हैं। अब बच्चों देखिए, अपने नॉलेज के लिए आप एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, नॉलेज के लिए चीज़ आप ये देख लीजिए कि होता क्या है, ऐसा क्या होता है जब यहाँ पे सॉल्यूशन लिया, ध्यान से चेक करिए, और इसमें बैंगल्स डाल दिए, ये गोल्ड की चूड़ियाँ उसने अंदर ऐसे डाली, तो ऐसा क्या हुआ कि चूड़ियाँ चमक गई। तो ध्यान सुनिए, ये चूड़ियों के ऊपर की जो लेयर है गोल्ड की वो धीरे धीरे सॉल्यूशन में चली गई और सॉल्यूशन में एक आयन बन जाता है जिस आयन का नाम क्या होता है, क्लोरोऑरेट आयन। क्या नाम होता है इसका बताइए, क्लोरोऑरेट आयन। इसका फॉर्मूला क्या है, AuCl4-, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोऑरेट आयन, ठीक है ना। एग्जाम में आपकी मर्जी, अगर आपको याद है तो उसको लिखिए, नहीं याद है तो मत लिखिए। ध्यान से चेक करिए, ये क्लोरो कहाँ से आया है, Cl, ये Cl कहाँ था, HCl में, तो उसकी वजह से, ठीक है। हमने आपको बताया कि गोल्ड का लैटिन नेम क्या होता है, ऑरम, ठीक है, तो ऑरेट शब्द कहाँ से आया, ऑरम यानी गोल्ड से, देखिए गोल्ड का सिंबल Au होता है, ठीक है ना, तो इस तरीके से ये वाला आयन बनता है। तो इस आयन को बनाने में धीरे धीरे सारा गोल्ड सॉल्यूशन में चला जा रहा है, कोई डाउट है बताइए, इसलिए जो बैंगल है उसका वेट कम हो जाएगा क्योंकि बैंगल में ही से तो निकल निकल के गोल्ड गया है, बात समझ आई कि नहीं। तो बस ये सिंपल चीज़ है। अब देखिए आपको एग्जाम में लिखना क्या है, आपको एग्जाम में लिखना है, ही मस्ट हैव डिप्ड द गोल्ड मेटल इन द सॉल्यूशन ऑफ एक्वारीजिया विच कंटेन्स 1:3 मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, एक्वारीजिया इज डिजॉल्व, एक्वारीजिया डिजॉल्व अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ गोल्ड फ्रॉम गोल्ड बैंगल्स एंड हेंस रिड्यूस देयर वेट ड्रास्टिकली। एक्वारीजिया क्या करता है, काफ़ी हद तक कुछ अमाउंट गोल्ड का कहाँ से, गोल्ड बैंगल्स में से क्या करता है, डिजॉल्व करा लेता है अपने ही अंदर, यानी कि जो एक्वारीजिया का सॉल्यूशन है उसमें। इस तरीके से आप धीरे धीरे देखोगे तो जो बैंगल्स हैं उनका वेट ड्रास्टिकली बहुत तेज़ी से डिक्रीज हो जाएगा। बताइए कोई डाउट है। अब यहाँ पर देखिए गलती क्या होती है बच्चों एग्जाम में, वो भी आप लोग समझ लीजिए, आपको याद ही नहीं रहता है कि 1:3 अगर हमने लिखा है तो पहले हमको क्या लिखना है और बाद में हमको क्या लिखना है। आप लोग गलती क्या करते हो कभी कभी आप एग्जाम में 1:3 तो सही लिखते हो, ठीक है, बट आपको 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड लेना है तो आप 1 पार्ट HCl कर देते हो गलती से, ठीक है ना, और उसके बाद आप यहाँ पे 3 पार्ट्स HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड कर देते हो, जो कि रॉन्ग है, करेक्ट। देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, मैं आपको बता दूँ, आप याद इस तरीके से करिए कि जैसे HCl है, ठीक, और HNO3 है। अब ध्यान से चेक करो HCl में कितने इंग्लिश के लेटर्स आ रहे हैं, कितने इंग्लिश के लेटर्स आ रहे हैं, 3 लेटर्स आ रहे हैं, चेक करो, हाइड्रोजन का H और क्लोरीन का कैपिटल C और स्मॉल L, 1, 2, 3, ठीक है ना, 3 इंग्लिश के लेटर्स आ रहे हैं यहाँ पर, इसलिए जिसमें इंग्लिश के 3 लेटर्स आ रहे हैं उसको 3 पार्ट्स लेना है, ऐसे समझ लो, ये ट्रिक है बस फालतू की, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा क्योंकि दो चीज़ें तो सबको याद रहती है कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेना है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है ना। अब रेशियो उनका क्या होना चाहिए, तो जवाब है 3 पार्ट क्या होगा, तो जवाब है 3 पार्ट वो होगा जिसमें इंग्लिश के 3 अल्फाबेट्स आ रहे हैं ऐसे करके, यानी कि 3 पार्ट आपको क्या लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि 1 पार्ट क्या लेना है आपको, नाइट्रिक एसिड, तो गड़बड़ नहीं करिएगा, ठीक है। अच्छा, किसी किसी बुक में बच्चों ऐसे लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है मैं आपको बता दूं, 3:1 लिखा रहता है, जब 3:1 लिखा रहे है ना तो आपको क्या करना है, HNO3 को पहले नहीं लिखना है, पहले आपको क्या लिखना है, HCl। तो जब आप 3:1 का मिक्सचर बताएं अगर एग्जाम में, तो आप पहले क्या लिखिएगा, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसके बाद आप लिखिएगा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सब गलतियां होती थी जो मैंने आपको बता दी, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, गिव रीजंस व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील एंड अलॉय ऑफ आयरन। पहले मैं आपको स्टील के बारे में बता देता हूँ, स्टील एक तरीके का अलॉय है, ठीक है। अलॉय क्या होते हैं, अलॉय बच्चों होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं मेटल्स का मेटल्स के साथ या मेटल का नॉन मेटल के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक होमोजीनियस मिक्सचर है हमारे पास, किसका, आयरन का कार्बन के साथ, याद है आपको, जब हम लोग आयरन में
ठीक है, 0.1% टू 1.5% कार्बन मिक्स कर देते हैं, ठीक है ना। तो स्टील बनता है, तो स्टील किसका एलॉय है, स्टील आपका मेटल यहां पर कौन है, आयरन, और नॉन मेटल कौन है, कार्बन। तो स्टील आपका एक ऐसा एलॉय है जो कि मेटल और नॉन मेटल का एलॉय है, मेटल कार्बन आपका नॉन मेटल, आयरन मेटल कार्बन नॉन मेटल, ठीक है। तो स्टील हम लोग बनाते क्यों है, स्टील हम लोग इसलिए बनाते हैं बिकॉज इसकी ताकत थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है, थोड़ा स्ट्रांग होता है, थोड़ा हार्ड होता है, और इसमें इसका कोरोजन भी नहीं होता है, इजिली इसकी रस्टिंग नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन बच्चों एक बात बताइए, स्टील जब बनेगा तो ध्यान से चेक करो, जो स्टील है आपका, ये स्टील का देखिए कोई स्टील का पीस है मान लीजिए, ठीक है, या स्टील का कोई रॉड है मान लीजिए। चलिए अब ये स्टील का रॉड है, तो इस स्टील के रॉड में अभी हमने आपको बताया कि भाई रस्टिंग नहीं होगी, चलो मान गए हम, रस्टिंग का मतलब समझ रहे हो ना, Fe2O3.10.XS2O नहीं बनेगा, रस्टिंग नहीं होगी, कोई बात नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम एलॉय बनाते ही हैं क्योंकि उसमें डिजायरेबल प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ आ जाए ताकि, ठीक है ना। ओके, बट बच्चों ध्यान से चेक करो, इस स्टील में है क्या, कॉम्पोनेंट क्या है इसका, चेक करो, आयरन और कार्बन का यहाँ पर बच्चों परसेंटेज बहुत ही कम है। तो मैक्सिमम अगर हम आपसे पूछेंगे कि स्टील का ये जो रॉड है इसमें ज़्यादा एटम्स किसके हैं, बताओ, कार्बन के एटम्स हैं इसमें ज़्यादा कि इसमें आयरन के एटम्स ज़्यादा हैं, तो आयरन के एटम्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है बिकॉज कार्बन तो केवल 0.1% टू 1.5% है ना। तो आप ये मत भूल जाइएगा कि स्टील में, ये स्टील है, आप ये मत भूल जाइएगा स्टील में आयरन के एटम नहीं प्रेजेंट है, इसमें Fe, आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe, तो इसमें आयरन के बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट है, ये नहीं आपको भूलना है, ठीक है ना। अब सुनिए मेरी बात, हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है कि जो कॉपर होता है, कॉपर मेटल ना तो हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा, ना ही स्टीम से रिएक्ट करेगा। लेकिन ये जो आयरन होता है, आयरन के एटम्स को बच्चों अगर हॉट वाटर मिल गया कहीं, तो आयरन के एटम्स हॉट वाटर से फटाफट रिएक्ट कर जाते हैं और आयरन का ऑक्साइड बनाते हैं, कौन सा वाला, सेकेंड और थर्ड दोनों का मिक्सचर बनाते हैं। आइए हम आपको रिएक्शन लिख के दिखाते हैं, ध्यान से चेक करो बच्चों, ये देखिए ये आयरन है Fe, ये सॉलिड के फॉर्म में हमने लिया कहीं से, और कहीं से क्या लिया, अगर आप ये वाटर टैंक की जो इनर वॉल्स हैं, हॉट वाटर टैंक की जो इनर वॉल्स हैं, अंदर की जो दीवारें हैं, उसको अगर आप स्टील से बना दोगे, स्टील की वहाँ पे वॉल्स होंगी, और स्टील की वॉल्स में क्या होगा बताइए, आयरन का एटम होगा, तो वो आयरन का एटम निकल निकल के वाटर से रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, ये H2 है आपका कैसा, हॉट, ठीक है, हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, और यहाँ पर बच्चों आयरन का ऑक्साइड का मिक्सचर बनता है, यानी कि फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का मिक्सचर बनता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फेरस आयन, फेरस आयन का फॉर्मूला होता है Fe2+, और फेरिक आयन का फॉर्मूला होता है Fe3+, ठीक है ना। देखिए जब आपको 2+ मिलेगा, जब कम चार्ज होता है आयरन के आयन पे, तो आप फेरस अस बोलते हो, लेकिन जब ज़्यादा चार्ज होता है तो आप फेरिक एक बोलते हो, तो ये फेरस है और ये क्या है, फेरिक है, ठीक है ना। अब फेरस ऑक्साइड चलिए पहले बनाइए, Fe पे 2+ और O पे 2-, ठीक है ना, ये 2 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, क्या बनेगा बताइए, दोनों के पास 2-2 है, इसलिए हम ना तो 2 यहाँ लिखेंगे ना तो यहाँ, तो यहाँ क्या बनेगा, फेरस ऑक्साइड। और इसी तरीके से अगर हम O पे 2- ले लें, 3 इधर चलाएगा, 2 इधर, तो क्या बनेगा बताइए, Fe2O3। अब देखो ये बन गया आपका क्या, फेरिक ऑक्साइड, ये बन गया आपका फेरस ऑक्साइड। तो इन दोनों का जब मिक्सचर को लिखा जाता है ना, तो कैसे लिखा जाता है, देखो इन दोनों के मिक्सचर को कैसे लिखा जाता है बच्चों, इन दोनों के मिक्सचर को कैसे लिखोगे आप, आयरन देखो यहाँ 1 है, यहाँ कितने आपके आयरन 2 2+1 कितना हो जाएगा 3, तो Fe3, ठीक। ऑक्सीजन यहाँ 1 है और यहाँ 3 3+1 4, Fe3O4, ठीक है, तो Fe3O4 यहाँ पर बनता है, जिसको हम बोलते हैं आयरन का ऑक्साइड बन गया, क्या बन गया, आयरन का ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका है आयरन सेकेंड कॉमा थर्ड ऑक्साइड, क्योंकि आपने यहाँ पर फेरस आयन का भी यूज़ किया था और फेरिक आयन का भी, फेरस आयन यूज़ करके क्या बना, फेरस ऑक्साइड, और फेरिक आयन यूज़ करके क्या बना, फेरस आयन यूज़ करके क्या बना, फेरस ऑक्साइड, और फेरिक आयन यूज़ करके क्या बना, फेरिक ऑक्साइड। तो इन दोनों का जो मिक्सचर होगा उसको हम आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड बोलते हैं, सेकंड थर्ड क्लास में आपको पढ़ा है ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं हम लोग, या फिर आप अभी क्लास 10th में बोल सकते हो कि इसके ऊपर जो चार्ज है उसको शो करते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये वाला और ये वाला दोनों का मिक्सचर मिला हुआ है यहाँ पे, ध्यान से चेक करिए, दोनों को कंबाइन करके हमने लिख दिया तो क्या बन गया, Fe1+2+3 और ऑक्सीजन 1+3 कितना हो गया 4, ठीक है। तो इसी को आयरन का ऑक्साइड बोला जाएगा। चलो और यहाँ पर साथ में मिलेगा आपको क्या, साथ में मिलेगा यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, क्या मिलेगा साथ में यहाँ पे आपको, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब फटाफट बच्चों इसको बैलेंस कर सकते हो आप लोग, तो बैलेंस कर लीजिए, ठीक है ना, देखिए बैलेंस कर लीजिए, कैसे बैलेंस होगा बताइए, आयरन कितने यहाँ 3 है, सबसे पहले मेटल को बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ आपको 3 लगाना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन कितने यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 लगाओगे, और 4 2 8 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ आपको 4 लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो हॉट वाटर है, हॉट वाटर ने आयरन से क्या कर लिया, रिएक्ट कर लिया। तो स्टील की वॉल्स अगर आपने बना दी हैं, ठीक है, जो हॉट वाटर का टैंक है उसकी जो दीवारें हैं वो स्टील से आपने बना दी, आप तो सोच रहे थे स्टील है, अरे भाई
स्टील का कॉम्पोजिशन तो समझो आप, स्टील क्या होता है, मेटल आयरन और नॉन मेटल कार्बन का एलॉय है, होमोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी स्टील होगा उसमें जो मैक्सिमम अमाउंट है वो तो आयरन का ही प्रेजेंट है ना। तो ऐसा थोड़ी नहीं कि हॉट वाटर आएगा तो हॉट वाटर से आयरन के पार्टिकल्स या आयरन के आइटम रिएक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल रिएक्ट करेंगे। देखिए इस तरीके की रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना, और आयरन ऑक्साइड बनने लगेगा। अब एक बार बताओ ये सारे आयरन के आइटम निकल के कहाँ कहाँ से आ रहे हैं बताइए, जो हॉट वाटर की दीवारें हैं वहीं से तो आइटम धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं। धीरे धीरे सारी दीवार ही खराब हो जाएगी, उसकी इनर वॉल हॉट टैंक की खराब हो जाएगी, धीरे धीरे पूरा टैंक खराब हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में। क्योंकि आयरन के आइटम धीरे 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 कुछ दिनों में लगभग सारे आयरन के आइटम वहाँ पर रिएक्ट कर जाएंगे हॉट वाटर से, ठीक है। तो ये चीज़, अब इसका आंसर कैसे लिखना है, पहली बात तो ये केमिकल रिएक्शन तो आप लिखोगे ही लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ी सी थ्योरी यहाँ पे लिखनी है, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम। सबसे पहले आप बता दीजिए कि हमें पता है कि कॉपर ना तो कोल्ड वाटर से, ना तो हॉट वाटर से और ना ही स्टीम से रिएक्ट करता है। हाउ आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम, जबकि हमें पता है कि आयरन किससे रिएक्ट करता है, स्टीम से, ठीक है। बल्कि मुझे यहाँ पर बच्चों स्टीम लिखना चाहिए था, यहाँ पर मुझे स्टीम लिखना चाहिए क्योंकि जो हॉट स्टीम लिखना चाहिए, यस, ठीक है, क्योंकि जो हॉट वाटर टैंक है उसमें पानी लगातार बॉयल किया जाता होगा तो स्टीम बनती होगी ना, तो स्टीम से रिएक्ट करता है, ठीक है, आयरन इस तरीके से आयरन का ऑक्साइड बनाता है। तो इफ़ द हॉट वाटर टैंक्स आर मेड ऑफ स्टील विच इज़ एन अलॉय ऑफ आयरन, द आयरन वुड रिएक्ट विगरसली विद द स्टीम। ये जो आयरन है वो धीरे धीरे इस स्टीम से रिएक्ट करेगा और बस क्या होगा, धीरे धीरे टैंक आपका खराब हो जाएगा, ठीक है, विद द स्टीम फॉर्म फ्रॉम हॉट वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, नोट कर लीजिए। ये फिनिश हो गया ना चैप्टर, ठीक है ना, ओके। तो स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी से भी हमारा सॉल्यूशन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का फिनिश हो गया है। और कई बार मैंने आपको बोला है बच्चों कि सीधे आप सॉल्यूशंस मत देखिए, आप पहले चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़िए। हाँ अगर आपके पास टाइम नहीं, आपके एग्जाम आ रहे हैं तो आप सीधे क्वेश्चन आंसर देख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप मिड सेशन में आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल पहले चैप्टर को फॉलो करिए, उसके बाद आप एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देखिए, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पल के सॉल्यूशंस देखिए। ये सभी वीडियोस देखने के बाद आप अपने आप को पक्का माने कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको मतलब 100% मार्क्स चैप्टर में स्कोर होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।